मंच पर बैठे हुए सभी सम्मानित नेतागण और भागलपुर की इस धरती पर इतनी बड़ी संख्या में आए हुए सभी जानदार और शानदार भाइयों और बहनों, आज की इस रैली में इतनी बड़ी संख्या में भागलपुर के लोगों का आना इस बात का संकेत दे रहा है कि यहाँ के लोगों ने परिवर्तन के बारे में संकल्प कर लिया है, मन बना लिया है। और मुझे मालूम है आप जब संकल्प कर लीजिएगा तो मुझे निश्चित रूप से विश्वास है विधानसभा के चुनाव में लालू जी और नीतीश जी को चारों खाने चित करने का काम आप करेंगे, यहाँ की जनता करेगी, मुझे इस बात का पूरा भरोसा है। करिएगा ना, अरे धोबिया पाट मारिएगा ना, चारों खाने चित करिएगा ना। घबरा रहे लालू जी, लालू जी कह रहे हैं कि भैंस पालने वाला एनडीए के साथ नहीं जाएगा। लालू जी गलतफहमी की शिकार मत होइए, हम अगर भैंस पालते हैं तो हमें दूध बेचना पड़ता है और दूध बेचने के लिए हम जाएंगे चाय वाले के साथ। भैंस पालने वाला चाय वाले के साथ जाएगा, नरेंद्र मोदी के साथ जाएगा। लालू जी आपके साथ जाने के लिए तैयार नहीं है। नीतीश जी घबरा रहे हैं और घबराहट में क्या कर रहे हैं, नाखून कटा लो बाल कटा लो, नाखून कटा लो बाल कटा लो। अरे भाई, नाखून बाल तो हम तब कटाते हैं जो हमारे घर का कोई आदमी ऊपर चला जाता है। मुझे लगता है आरजेडी या जदयू का अंतिम संस्कार करने के लिए ये नाखून बाल कटाने का काम लोग करने वाले। मैं तो एक ही आग्रह करना चाहता हूं आपसे, एक ही प्रार्थना करना चाहता हूं, तेजी से अगर बिहार को विकास के रास्ते पे आगे ले जाना है तो नरेंद्र मोदी से लड़ने वाली सरकार हमें नहीं चाहिए। नरेंद्र मोदी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने वाली सरकार बिहार में बनाने के लिए, एनडीए की सरकार बनाने के लिए आप हमारा साथ दीजिए, एनडीए का साथ दीजिए, यही आपसे आग्रह करने आया हूं। करिएगा ना, अरे साथ दीजिएगा ना, एनडीए की सरकार बनाइएगा ना, तो एक बार ताली बजा के बता दो दीजिए ना भाई। इतने ताली की आवाज से लालू जी, नीतीश जी और सोनिया जी के दिल में दुख-दुखी पैदा हो सकता है, लेकिन मैं जानता हूं भागलपुर के बाजुओं में इतनी ताकत है कि ताली की गड़गड़ाहट से हेलीकॉप्टर से आ रहा है नरेंद्र मोदी के कानों में आवाज पहुंचाने का काम भी आप कर सकते हैं, जोरदार तालियों की गड़गड़ाहट से। एक बार बने भाइयों, आपने परिवर्तन के साथ चलने का मन बनाया है, विकास के साथ जुड़ने का संकल्प लिया है, मैं आपके प्रति आभार प्रकट करता हूं और यहीं अपनी बात समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।